Dear स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन sustainable सस्टेनेबल in इन हम चिली के ऊपर जो बातें कर चुके हुए हैं इसी के हवाले से फंड एलोकेशन की हम बात कर चुके हुए हैं उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग की बात कर चुके हुए हैं फिर क्वालिटी की बात हमने की करिकुलम के डॉक्यूमेंट की बात की अब जो चैलेंजेस हैं जो चिली को फ़ेस करने पड़े या यूं कह सकते हैं उनको पढ़ने अभी भी चिली को फेस करने पड़ रहे हैं वो है क्वालिटी हम इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हुए हैं कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें क्वालिटी टीचर चाहिए क्वालिटी टीचर की अवेलेबिलिटी जब होती है तो उसमें अट्रैक्टिव सैलरी चाहिए हमने आइडेंटिफाई किया था कि चिल्ली के अंदर ओवरऑल टीचर्स को भी कम सैलरी दी जाती है और जब हम प्री pre प्राइमरी की बात करते हैं ई की बात करते हैं तो उनकी सैलरी दूसरे तमाम मुकाम मामालिक के मुकाबले में बहुत कम है सैलरी की कम होने की वजह से उनका जो डॉक्यूमेंट है पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो बहुत खूबसूरत है कि जो उन्होंने प्लान किया ज़ीरो से टू इयर्स का तीन से पाँच साल का इट्स वंडरफुल जो प्रैक्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको गैप नज़र आता है मॉनिटिंग की बात करते हैं तो उनका मॉनिटरिंग सिस्टम भी ठीक है जू समझ के वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है प्रैक्टिस के अंदर जब हम बात करते हैं और पॉलिसीज के अंदर इनकी जो गैप है उसकी जो काज आइडेंटिफाई हुई वो हम पहले कर चुके हैं उसकी काज की आइडेंटिफिकेशन उसकी मेन काज जो है वो टीचर्स क्वालिटी अट्रैक्शन अब अपने प्रोफेशन के अंदर जितने क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल लोग उसके अंदर शामिल हो जाएंगे वो क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं उन इंटेलेक्चुअल को शामिल करने के लिए हमें सैलरीज को बढ़ाना पड़ेगा अगर सैलरीज को इंक्रीज नहीं किया जाता तो ये जो डॉक्यूमेंट है जो इतना खूबसूरत बना हुआ है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसके अंदर गैप नजर आएगा हमें मॉनिटरिंग को जितना बेहतर कर लिया जाए उसके बावजूद भी जो परफॉर्म करने वाला टीचर है वो अगर परफॉर्म प्रॉपर नहीं कर सकेगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकेगा अच्छा दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं सोशो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की बात करते हैं तो वो तमाम स्कूल जिनके अंदर इकोनॉमिक इश्यूज हैं जहाँ पे बहुत गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं सोसाइटी के वो लोग जो के बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं यानी उनके पास खाने को प्रॉपर फूड नहीं है रहने को जगह नहीं है यानी मैं सोशो लोअर सोशो इकनॉमिक्स को फोकस जब करते हैं तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है यानी आप दूसरे लफ्जों में कहें कि प्री प्राइमरी एजुकेशन के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन हमें नज़र आती है दूसरी तरफ अगर हम उनकी परफॉर्मेंस को देखें तो परफॉर्मेंस के हवाले से भी जो बैकग्राउंड सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड जो है लो बैकग्राउंड रखने वाले जो बच्चे हैं उनकी जो मैथमेटिक्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस अगर हम नोट करते हैं तो वो सिग्निफिकेंट है लेकिन बिलो है यानी यूं समझ लें कि अगर हम इसको ओवरऑल गुफ्तगु करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं फंड्स एलोकेशन जो है वो अप्रोप्रिएट थी टीचर्स ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट थी करिकुलम अप्रोप्रिएट डेवलप किया गया मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है जहाँ पे उसने इम्प्लीमेंट होना है और आउटपुट देनी है वहाँ पे हमें डेफिशिएंसी नज़र आती है और उस डेफिशिएंसी को अगर आप नोट करें तो उसकी मेन काज जो हमें अंडरस्टैंड होगी वो मेन काज उनकी लो सैलरी है इसका मतलब ये हुआ कि अगर चिली का टीचर्स की सैलरी को कुछ बेहतर बना दें उसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाए और कुछ इंटेलेक्चुअल लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता है